नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के चेयरमैन राजकिशोर यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया। इससे पहले UPSSC ने 11,000 पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए इंटरव्यू पर पहले ही रोक लगा दी थी, जिसके बाद 3 अप्रैल को उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के बाहर हंगामा किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद संभालने के बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। 19 मार्च को BJP सरकार के गठन के बाद राज्यपाल राम नाईक ने सभी न्यू टेंडर भर्ती और इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी। दरअसल बिना सरकार की इजाजत के ही इन इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अफसर आनन फानन में परीक्षाओं को कराने की तैयारी में थे, जिनके लिए 27 मार्च से 10 अप्रैल तक 3 तारीखों में इंटरव्यू लेने की तैयारी की गई थी। परीक्षा में किसी खास जाति को विशेष तहजीब मिलने की शिकायतें मिलने के बाद 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी लोक सेवा आयोग UPPSC के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव को तलब किया था। उनसे इस बात का जवाब मांगा गया था कि क्या वाकई इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में धांधली की गई। वहीं इंटरव्यू पर रोक लगाने से छात्रों का कहना है कि इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।